भवन्तु। श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परीजन चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांस ओम ज्ञानतिमिरांधस्स ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूपा सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नामयं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञा भक्ति प्रज्ञा भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानंच पालिने जीव दुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेम दायिने। नामयं विष्णुपादाय कृष्ण भ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री भार्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्वय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्री रूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंत हारिणी। नमो गौरगेश्वराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबुधे पादंबुजाय ते नमः। नाम भक्ति विनोदाय सचिदानंद गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरवाभिर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। कृपाभारी दाने वंदिसे गुरु चरण कमल नृत गीत वाद्य श्रीहरि कीर्तने रहे न मगन महामत मने रोमांच कंपाश्रु हय गौर प्रेमे ब्रजजु चर्बचु सलेज पेयर समय प्रसादन कृष्णेर अति स्वदोहरे भक्ता स्वादनी निज तृप्त रहे वंदिते गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादनी लुब्ध चित जिनी अन प्रतीक्षणी वंदिते गुरु ब्रजजुव द्वंद रति संवर्धनी युक्ति करे सखी सनी वृंदावनी अति दक्षताए प्रियतम गने गुरुदेवाष्टक अति जतन करी ब्राह्मे मुहूर्ते परे उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाए सही वस्तु सिद्धि काली वंदिते गुरु
शरण कमला गुण सिंधु गुरु शरण कमला जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव वृंदावन वासी जत वैष्णवेर प्रथमी वंदना करी तवार चरण नीलाचल वासी जत महाप्रभुर गान भूमि ते पड़िया बंद तवार चरण नवदीपवासी जत महाप्रभु तवार चरण बंद अयानुरक्त महाप्रभुर भक्त जात गौरदेश सीते तवार चरण बंद करिया प्रणति जय देशे वैसे महाना ऊर्ध बाहु करी तवर चरण अयचे नैबना प्रभु जात दास तवर चरण बंद अयानुरक्त महान करिते शक्ति धर जनी जानी हे वेद पुरानी गुना गाय देवा सुने महाप्रभु गण साव पतित पावन लयनो शरण वंदना करिते मुनि कतो शक्ति धारी तम बुद्धि दोते मुनि तम मात्र करी तथापि मुखेरा भाग्य मने रउलात दोष क्षमी माधमी करमी जदास सर्ववंचति देहै जमबन्ध छोटे जगति दुर्लभ हैया प्रेम धन लो मन रवासना पूर्ण अचिरते हाय देवकी नंदन दास लोभे जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुमा बिना के दयालु जगत संसारे पतिता पवन हेतु तब अवतार मुसम पतिता प्रभु न पाइ बेरार आ प्रभु नित्यानंद प्रेम
आनंद सो के कृपा बलोकन कर आमी बाड को के दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाए चैतन्य निताए आ स्वरूप नाथन रूप रघुनाथ भट युग सृजेवा प्रभु लोकनाथ दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मगे नरोत्तम दास दया कर प्रभु पाद श्री दैत दास सुध वैष्णवीर संग मगे हे अधम दास दया कर गुरु देवा पतिता पवन विचरणी सेवा मागे हे पतिता जा दया निताय दयाल गौ दयाल निताय दयाल गौ दयाल निताय दयाल गौ दयाल निताय दयाल गौ शुद्ध भक्त चरण रेणुका 128 शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन आनो खोला भकत सेवा परम सेधे प्रेम लती कर मोला शुद्ध भकत चरण रेणु भजन आनु कोला थे भक्त I'm not talking.
देखिया गंगा सुख नसीमा पाया। वो सो रहे ना क्या? चीजा का सो रहे क्या? कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे सब? हाँ बोलो सब का जाए। अभी जो भजन गा रहे थे ना, जिसमें एकादशी का जिसमें महत्व है, आपके पास में पुस्तक नहीं है? वैसे में है ठीक। आप लोग तो आपको समझ में नहीं आता होगा ना ये हाँ ये सब बंगला कीर्तन है जिसमें सारे संतों को प्रणाम कर रहे हैं, सारे भगवान के जितने भक्त है उनको प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की जितना लीला स्थली उनको प्रणाम कर रहे हैं। अभी जो भजन गा रहे थे, अभी जो भजन गाया है उसमें कहते हैं शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। इसका मतलब है श्री शास्त्र में बताया भगवान का प्रेम को अगर कोई पाना चाहते हैं, ठाकुर जी की भक्ति को अगर कोई पाना चाहते हैं, कर जो तीन चीज बड़े जल्दी से जल्दी ठाकुर जी का प्रेम को प्रदान करते हैं। तीन चीज क्या है? हाँ इसमें तीन चीज कहते, एक तो संतों का जो चरण धूलि, दूसरा चीज है संतों का जो चरणामृत, और तो तीसरी चीज है उनकी शीत प्रसाद अधरामृत बा उनकी कथा। कहते जो तीन चीज जल्दी से जल्दी भगवान का प्रेम को प्रदान करता है। कहते भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। इसका मतलब है भगवान सबसे जल्दी जल्दी कैसे खुश होते हैं, जल्दी जल्दी ठाकुर को अगर कोई खुश करना चाहते हो कैसे खुश हो सकते हैं? बोले जब हम किसी संतों की सेवा करते हैं, भक्तों की जब हम सेवा करेंगे इससे जल्दी ठाकुर जी खुश होते हैं। बोले कारण क्या? बोले कारण है भगवान का निवास कहाँ पर है? बोले संतों का हृदय। जब कोई सचमुच से कोई संत हो, गुरु जी हो, जिनके हृदय में ठाकुर का निवास हो, अगर वे खुश हो गया तो क्या हो गया? ठाकुर जी अपने आप खुश हो जाते हैं, अपने आप ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। उसके बाद में हाँ आज जो तिथि है माधव तिथि मतलब क्या है? आज एकादशी व्रत, आप लोग एकादशी व्रत रखना ठीक है ना, एकादशी व्रत जरूर रखनी चाहिए। इसलिए जैसे हमारे भारत में 33 करोड़ देवता है, कोई सोमवार रखते हैं, सोमवार किसके लिए? भोले बाबा के लिए, और कोई मंगलवार रखते हैं, मंगलवार किसके लिए? हनुमान जी के लिए, कोई बुधवार रखते हैं, बुधवार किसके लिए? गणेश जी के लिए, कोई बृहस्पतिवार रखते हैं लक्ष्मी के लिए, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, शनिचर, अलग 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 देवताओं के लिए व्रत रखते हैं। लेकिन आज का जो व्रत एकादशी व्रत है इसका एक नाम है माधव तिथि। इसका नाम क्या है? माधव तिथि। माधव तिथि मतलब ये जो एकादशी व्रत है
ये भगवान माधव मतलब कृष्ण का ही ये व्रत है, भगवान विष्णु राम कृष्ण का ये व्रत है। इसलिए ये व्रत को कैसे पालन करनी चाहिए, बोले जतने पालन करी। देखो जगत में तो बहुत देवता, 33 करोड़ देवता जगत में, अगर एक देवता को अगर मना लिया ना, देखना दूसरा देवता मुंह फुलाकर बैठ जाएगा, बोले तुम उसको खुश किया मेरे को खुश नहीं किया। अगर तीसरा देवता को मनाओ तो चौथा देवता फिर मुंह फुलाकर बैठ जाएगा, बोले उसको व्रत किया मेरी व्रत तुमने नहीं किया, उसको खुश कर तो पंचमा देवता फिर मुंह फुलाकर बैठ जाएगा। अब बताओ कितने को खुश करोगे बताओ। लेकिन ये भगवान कृष्ण ये माधव ऐसे के देवता हैं, अगर ये खुश हो गए ना ठाकुर जी कृष्ण खुश हो गए, कहता जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अगर भगवान कृष्ण खुश हो गए तुम्हारे ऊपर में, ये जो 33 करोड़ देवता ये अपने आप खुश हो जाएंगे, ये खुश अपने आप हो जाएगी, क्योंकि भगवान कृष्ण के अंदर में बांके बिहारी के अंदर में ये 33 करोड़ देवता उनके अंदर में विद्यमान। इसलिए अर्जुन को विराट को दिखाए ना, देखो जिसको तुम शंकर कहते हो मेरे अंदर में, जिसको ब्रह्मा कहते हो मेरे अंदर में, जिसको गणेश दुर्गा कहते हो तो मेरे अंदर में, जिसको गणेश कहते हो देखो मेरे अंदर में, ये सब मेरे अंदर में बैठे हुए। जब भगवान कृष्ण का ये व्रत एकादशी व्रत है, इसलिए हम लोग और किसी व्रत नहीं रखते हैं, केवल एकादशी व्रत रखते हैं, क्योंकि भगवान जब कृष्ण खुश हो जाएंगे वो अपने आप सब 33 करोड़ देवता अपने आप तुम्हारे ऊपर में अपने आप खुश हो जाएंगे, ठाकुर सब खुश हो जाएंगे सारे देवता। इसलिए एकादशी व्रत माधव तिथि मतलब भगवान का ये व्रत है, इसको कैसे पालन करो, आज एकादशी तिथि कैसे पालन करनी चाहिए, बोले जतने पालन करो, जतन पूर्वक प्राण करो। बोले जतन पूर्वक कैसे पालन करेंगे, आज 11 से है ना एकादशी को, 11 से कहते हैं हमारे 11 इंद्रियां हैं, कितना इंद्रियां हैं 11 इंद्रियां, इसलिए एकादशी है 11 से इंद्रियां। इसलिए 11 इंद्रियां जैसे 5 कर्म इंद्रियां चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया कहते, 5 कर्म इंद्रिया जिसको द्वारा हम कर्म करते हैं, 5 हमारे कर्म इंद्रिया, और इनका जो राजा है ये मन है, इनका राजा ये मन, ये मन मेन वस्तु है। जैसे मन ने कहा भैया एकादशी चलो मंदिर हो आते हैं, आ गए, अगर बोलते यार सो ना आज एकादशी थोड़ा ज़्यादा सो जा आज, क्या जरूरत है जाने का, देखना सबके सब सो जाते, वो यहाँ आते ही नहीं है। इसलिए मन इनका राजा है, इसलिए एकादशी का दिन क्या करनी चाहिए, आज जितने रोज रोज नाम करते हैं, देखो आज जो एकादशी है बहुत महत्वपूर्ण है, जानते हो क्या, आज जो कार्तिक महीना जो व्रत पालन करते हैं, कुछ कुछ लोग आज से एकादशी से लेकर एकादशी करते हैं, और जो व्यक्ति कुछ कुछ लोग हम लोग शुरुआत करते हैं पूर्णिमा से, पूर्णिमा से लेकर के पूर्णिमा तक करते हैं जी। ये जो महीना की जो अधिष्ठात्री देवता ये श्रीमती राधा रानी, इसलिए उसको एक ऊर्जा व्रत कहते हैं, ऊर्जा मतलब प्रकाश है, जो भगवान कृष्ण को भी जो प्रकाश करती है राधा रानी, इसलिए ये जो व्रत है सबसे ज़्यादा हमारी संप्रदाय में सबसे ज़्यादा महत्व ये व्रत है। इसलिए इनका एक नाम कार्तिक ईश्वरी, राधा रानी का नाम, कार्तिक महीना है ना, इसलिए कार्तिक ईश्वरी कौन है, श्रीमती राधा रानी। अगर राधा रानी अगर इसी महीना में थोड़ी सी कुछ कर लो, थोड़ी सी कुछ कर लो, इसी महीना में ही भगवान अनंत असीम होते हुए भी माँ की बंधन में बंध गए थे, इसी महीना में उखल में बांध दिया था, इसी महीना में कृष्ण रास रचाए, इसी महीना में कृष्ण गिरिराज को उठाए, इसी महीना में कंस को मारे, इसी महीना में उखल में बंधे, इसी महीना में मक्खन चोरी किए, अक्सर करके देखोगे इसी महीना में ठाकुर जी की जितने लीला हुई, इसी महीना में गोपियों ने भगवान के कपड़े में राधा रानी का कपड़ा को बांध दिया था, गांठ बंधन कर दिया था, क्योंकि हमारे राधा जी को छोड़कर कृष्ण चले जाते हैं। इसी महीना में अगर थोड़ी सी कोई भक्ति कर ले, भगवान कहते हैं मैं उनका प्रेम में बसीभूत हो जाता हूँ, उसको मेरे धाम की प्राप्त हो जाता है, जीवन का जितने दुख कष्ट जितने आपत्ति विपत्ति सब नष्ट हो जाता है इसी महीना में। इसलिए इसी महीने इस बार तो कोरोना हो गया, नहीं तो इसी महीना में हम लोग वृंदावन में पूरा एक महीना तक ब्रजमंडल परिक्रमा होता था, पूरा एक महीना, और देश विदेश लंदन अमेरिका फ्रांस जर्मनी रसिया चाइना इतने लोग आते थे एक महीना के लिए, उस पूरा के पूरा छोड़ गरीब उनका देश भारत में आते थे, एक महीना पूरा परिक्रमा लगाते थे।
पूरा के पूरा नियम को साथ में है। इसलिए कोई कोई व्यक्ति आज से लेकर के एकादशी, आज से लेकर के एकादशी तक कोई कोई करते बड़ा निष्ठापूर्वक। इसलिए कुछ इसलिए इसका नाम एक नाम नियम मास है। नियम मतलब आज से हम कुछ नियम रखेंगे। लिखिया नियम है, जितने पूजा पाठ करते थोड़ा ज़्यादा करेंगे, जितने माला करते हो आज इस थोड़ा ज़्यादा हरिनाम करते हैं, रोज आरती में आएंगे, रोज कथा सुनेंगे, तुलसी में दिया जलाएंगे, दिया तुलसी को हम दिया जलाएंगे, तुलसी की परिक्रमा करेंगे, ठाकुर मंदिर को परिक्रमा 108 बार परिक्रमा करेंगे। इसलिए रोज कुछ ज़्यादा स्तुति स्तव जितने करते हैं थोड़ी स्तुति स्तव का भगवान की ज़्यादा करेंगे। लोग बड़ी इसी महीना को बड़ा नियम पूर्वक वृंदावन में बड़ी दूर 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 से एक महीना तक यमुना में जा करके नहाएंगे, राधा दामोदर की परिक्रमा लगाएंगे, 108 परिक्रमा लगाएंगे। वृंदावन में जाओ ना, बड़ी टहल चाल है इसी महीना में है, बड़े टहल चाल है। इसलिए कोई व्यक्ति आज से लेकर के एकादशी से एकादशी तक करते हैं। इसलिए एकादशी इंद्रियों को द्वारा क्या करेंगे, भगवान की हम सेवा करेंगे, आँखों से ठाकुर को देखेंगे, गंदी गंदी चीज उल्टा पुल्टा फिल्म उल्टा पुल्टा गंदी गंदी चीज आँखों से नहीं देखेंगे, भगवान की कानों से भगवान की कथा सुनेंगे, जीवा से भगवान की थोड़ा ज़्यादा जितना नाम करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा हरिनाम इसी महीना में थोड़ी सी ज़्यादा हरिनाम करेंगे इसी महीना में। इसी महीना में हैं इन्हीं हाथों से ठाकुर का मंदिर साफ करेंगे, उनका बर्तन साफ करेंगे, ठाकुर जी के लिए खाना बनाएंगे, ठाकुर को रसोई करेंगे। इसी महीना में संत लोग बड़े नियम लेते, पक्का नियम लेते हैं हैं। संत लोग एक एक लाख कोई दो दो लाख हरिनाम करते हैं इसी महीना में। इसलिए इसको नियम मास कहते हैं। इसलिए कोई कोई व्यक्ति आज से लेकर के एकादशी से लेकर के एकादशी तक करते हैं। इसलिए उसमें कह रहे हैं माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। इसको जत्नपूर्वक पालन करो। जत्नपूर्वक मतलब क्या है, जत्न मतलब क्या है। इसलिए आज से आज हम जितने रोज हरिनाम करते हैं आज थोड़ी सी ज़्यादा हरिनाम करेंगे, थोड़ा हम ज़्यादा हरिनाम करेंगे आज हैं। इसलिए जितने भक्ति का अंग जाजन करते हैं आज हम उल्टा पुल्टा चीज़ में मन नहीं लगाएंगे, मोबाइल वोबाइल नहीं देखेंगे, उल्टा पुल्टा चीज़ मोबाइल में नहीं देखेंगे हैं, मोबाइल आज यूज नहीं करेंगे। जितना समय उधर बर्बाद करते हैं उतना समय क्या करेंगे, भगवान की थोड़ा ज़्यादा हरिनाम करेंगे, ठाकुर का नाम करेंगे। क्योंकि इसी महीना में एक माला करो ना 100 माला करने का फल मिलता है। इतने महिमा इसी महीना की बहुत महिमा है हैं। राधा रानी स्वयं इसी महीना की अधिष्ठात्री देवता श्रीमती राधा रानी। पिछले कहते जतन पालन करी कृष्ण बसती बसती बोले परम आदर वरे। इसलिए इसी महीना में भगवान का निवास है, इसलिए परम आदर पूर्वक इसी महीना को हम जाजन करेंगे। हाँ उसको बाद में हाँ जैसब स्थान करल भ्रमण रंगे सैसब स्थान हेरवामी प्रणयी भगत संग। इसलिए श्री महाप्रभु ने जहाँ जहाँ पर उन्होंने दर्शन किया हम प्रेमी की भक्तों का अनुगत्य में हम जाएंगे, वहाँ की कथा सुनेंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे, ब्रजधाम की हम परिक्रमा करेंगे। इसलिए ये जो भजन है इसमें बड़ी रहस्य बड़ी अच्छी अच्छी बात इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बात इसमें बताए। इसलिए ये बंगला कीर्तन है लेकिन इसके अंदर में बहुत शिक्षा की चीज़ है, बहुत रस चीज़ है इसके अंदर में। ठीक है तो तुम्हारी वो तुम्हारी हा कवि श्री चैतन्य मोरे करीबे न दया कवि आमी पाई वैष्णव पद छाया विषय भी महान कवि विष्णु जनिया करीब सन्मान क
बड़वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे दंते त्रिन करी दारैव निष्कपटे जानैव दुख ग्राम संसार नल हैते माजीव विश्राम वैष्णव ठाकुर हमला कृष्ण आवे देवे न प्रचोर वैष्णवेर कृष्ण दया माया ए न पमर प्रति अविन निवेदन वैष्णव चरारी कृपा कर संगे जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। अभी कार्तिक महीना 4 दिन बाद में कार्तिक महीना आएगा। ये कार्तिक महीना में जो दीप दान देते हैं ना ठाकुर को, दीप दान की बड़े महत्व है। एक समय प्रश्न कर रहे हैं, हैं नारद जी ब्रह्मा को प्रश्न करते हैं, कहते जो रुक्मिणी सत्यभामा ने ऐसे कौन सा कर्म किया है जो ठाकुर जी कृष्ण ही उनको पति रूप में मिले। तब कहते हैं उन्होंने जो कार्तिक महीना में ठाकुर जी को दिया जलाते थे, ठाकुर जी को देखना रोज नियम है कार्तिक महीना में, आप लोग सब ठीक शाम का समय में आरती में आना सबके सब हाँ करके कार्तिक महीना में यहाँ पर एक महीना तक ठाकुर जी को दीप जलानी चाहिए, ठाकुर को दिया दिखानी चाहिए। इसलिए कहते उन्होंने एक महीना ये कार्तिक व्रत किया है और कार्तिकेश्वरी श्रीमती राधा रानी कहते इनको दिया देने पर भगवान इनको साक्षात कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त होते हैं। कि इसी जीवन में अगर कोई ठाकुर को दिया जलाएगा भगवान उनको अगले जीवन में पति रूप में भगवान की पटरानी की प्राप्त होते हैं और किसको किसको गोपी भाव से भगवान की सेवा की प्राप्ति होती है। दिया जलाने पर अपना जो कुल का जो प्रदीप दिया है हर समय प्रज्वल रहेगा, तुम्हारी जो वंश परंपरा कभी खत्म नहीं होगा, धन रत्न पुत्र इतने महिमा बताए कार्तिक महीना में ठाकुर जी को दिया जलाने का। हाँ जीवन तुम्हारी प्रकाश रहेगा, आलोक रहेगा तुम्हारे जीवन, कभी बुझेगा नहीं तुम्हारे जीवन, हर समय तुम प्रज्वलित होते रहोगे। मतलब
तुम्हारे जीवन रूपी जो दिया है हर समय जलते रहे, बहुत बहुत महिमा बताए। इसलिए कार्तिक महीना में सबके सब भक्तों को बोलना, सबके सब मंगल आरती में आए, मंगल आरती में आए, शाम का आरती को नियम करके शाम का। आप लोग तो दोनों आरती में रोज रोज आते हो, जो लोग नहीं आते हैं उनको बोलना आए, ठाकुर जी को दिया जलाए। और यहाँ पर हाँ, उन्होंने ठाकुर जी को दिया जलाए, और ये जो राधा दामोदर व्रत है ना, राधा जो दामोदर अष्टक, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमना, उन्होंने इसको उन्होंने रोज पढ़ते थे। इसको कैसे मैया जशोदा कृष्ण को खल में कैसे बांध दी थी, इसको रोज पढ़ती थी, इसलिए भगवान उनको पति रूप में ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। इसलिए आज हम लोग राधा रानी, ये जो महीना है ये राधा रानी का महीना है। आप लोग, आप जो दोनों हो, नए हो आप लोग, इनको तो पता है, इसमें एक है राधा कृपा कटाक स्तोत्र। इसका मतलब है अगर ये स्तोत्र को कोई पढ़े तो इसको ऊपर में राधा रानी की कृपा होती है, राधा रानी की। हाँ, इसलिए अगर इसको कोई राधा कुंडों में खड़े होकर के, राधा कुंडों के अंदर में कोई खड़े होकर के 108 बार अगर उसको कोई पढ़े, कहते राधा रानी स्वयं राधा कुंड से प्रकट होती है राधा रानी, और उनको दर्शन प्रदान करती है। अगर 108 बार कोई राधा कुंड में खड़े होकर के इसको पढ़ ले तो, इसलिए भगवान की इसको कोई पढ़ो उसको पर में राधा रानी की विशेष कृपा होती है। इसलिए हम लोग इस महीना में राधा रानी की, राधा रानी का कीर्तन करने से कृष्ण खुश होते हैं, और कृष्ण का कीर्तन करने से राधा रानी खुश होती है। इसलिए राधा कृष्ण दोनों की और भगवान की बहुत सारे अष्टकों को जो नियम करके भक्त लोग उसमें पाठ करते हैं। इसलिए आप लोग सब राधा कृपा कटाक स्तोत्र तुम उनको पास में देख लो, पढ़ना आता है तुम्हें हिंदी, हाँ देख लो, उनको साथ साथ में पढ़ो। ये इनको अगर आप पढ़ सके इनको ये दे दो। मुनिंद्र बृंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी प्रजेन्द्र भानु नंदिनी प्रजेन्द्र सोनु संगते सदा कैश सियमा कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी विशाल मंडप स्थिति प्रभाल बाल वल्लभ प्रभारुणां त्रिभुवने बरा भया स्फुरत करे प्रभुत संपदालय सदा करीश श्रीयमा कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगल प्रसन्न भानुरघुवर कवि भ्रमं सभ्रमं त्रिहंत बाण भाजन निरंतरं वशीदृश प्रतीति नंद नंदनी कदा करीश श्रीयमा कृपा कटाक्ष भाजनम करी सुवर्ण चंपक प्रदीप गौरवे गये उषा प्रभा प्रयास्तोटि सारेन्दु मंद विचित्र चेत्र संचर चकोर सावलोचने कदा गयीश श्रीयमा कृपा कटाक्ष मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास बंदिते अनन्न धन्न कुंजराज काम केलि कोविदे कदा करीश श्रीयमा कटाक्ष भाजन अशेष भाव भाव वीर इहाय भूषिते प्रभूत सात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सोस्तनि प्रशास्त मंद हास चूर्ण पूर्ण शौच सारणि तदा
कृष्ण का अष्टक उसमें देखा है सुचारु वक्र मंडलम उनको छोटे किताब में कहाँ पर नहीं है देखो सुचारु वक्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचार चितांग चंदनम नमामि नंदनम सुदीर्घ नेत्र पंकजम Yeah.
जय राधे जय जय माधव दैते जय राधे जय राधे जय जय माधव दैते जय हरे हरे
आज मैं पहले कथा करूंगा, उसको बाद में। मैंने कल क्या कथा सुनाया तुम लोग कुछ बोल सकते हो? तुम्हें कल न थे ना, कल थे तुम? हाँ पर जाए हाँ थी कल ना, ठीक है तुम सुनो। कल तुम था नहीं, कल मैं अब्सेंट था, हाँ ठीक, इसलिए नहीं। मैंने कल क्या कथा सुनाया, मैंने परसों क्या कथा सुना तुम उसको सुना ना, परसों कल कल कथा वो सुनाएगा, तुम सुनाना, तुम थोड़ी थोड़ी सुनाना, और जो कल परसों का कथा तुम सुनाना, और जो आज का जो कथा सुनाऊंगा, आज जो कथा सुनाऊंगा ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर ये जो निगम कल्पतरु का क्या व्याख्या किया है उसको सुना, तब मैं तो खाता पर निक रहा सर। आज नुआ नुआ कथा गई जो कथा होगा तुम नोट कर रख दो, तब तो सबठ पुराना लोग खाता कल नहीं। हाँ ओम अज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरण में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महात्मा है, भागवत कथा की क्या महिमा, हम इसको श्रवण कर रहे थे। ए क्या बात कर रहे थे, क्या हो गया? इसलिए हम लोग इसकी महिमा को हम श्रवण कर रहे थे, इसलिए गतकल्ले हम श्रवण कर रहे थे। ये जो भगवान का जो कथा है हमारे शास्त्र में इसका सब अलग अलग नाम दिया है। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी कथा का क्या नाम दिया है, दवा औषधि। जैसे कोई दवा लेने से शरीर का सारे बीमारी हमारी खत्म हो जाती हैं, हम भी संसार में तरह तरह का बीमारी में ग्रस्त है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से, कोई बेटी से, कोई बहू से हम दुखी है। कहते ये सब हमारी सब बीमारी है। कहते अगर ये बीमारी को कोई दूर करना चाहते हैं उनको क्या करनी चाहिए, भगवान की कथा ये सबसे बड़ी दवा, भगवान की कथा। अगर ये कथा को सुनोगे तो तुम्हारी संसार का सारे दुख कष्ट
दूर हो जाएगा और एक दिन हम ठाकुर के पास में पहुंच सकते, भगवान तक पहुंच सकते हैं सारे दुख कष्ट से मुक्त होकर के। इसलिए इसको सुखदेव गोस्वामी क्या बोले, ये दवा। फिर प्रश्न किया, दवा तो बड़ी कड़वी होती है, जैसे एलोपैथी की दवा लो झट मुंह में दे करके हम अंदर में सटका लेते हैं, क्यों, बड़ा कड़वी होती है। क्या ऐसे भगवान की कथा क्या कड़वी है? बोले नहीं, जो कान और जो हृदय को ये बड़ा आनंद देने वाली कथा सुनो तो कान को भी आनंद लगता है और मन को भी आनंद, भगवान की कथा आनंद देता है, इसलिए इसको ये बोले। और श्री कपिलदेव क्या बोले, रसायन, क्या रसायन मतलब क्या होता है, इसलिए इसको उन्होंने रसायन कथा उन्होंने बताया। रसायन होता है 10 तरह का, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन से बनता है ये रसायन। जैसे रसायन पीने से शरीर का सारे बीमारी खत्म हो जाती हैं और शरीर में ताकत दे देता है, जो कमजोरी है ना अगर इसको कोई पान करेगा तो शरीर में कहते ये शरीर में ये ताकत दे देता है और शरीर का बीमारी को ये खत्म कर देता है। इसलिए भगवान कपिलदेव अपना माँ को कह रहे, बोले माँ अगर ये भगवान की कथा रूपी रसायन को पान करोगे ना तुम्हारा क्या होगा, शरीर का सारे बीमारी खत्म और तुम भक्ति जगत में भक्ति जगत में बड़े तुमको उत्साह मिलेगा भजन करने का, बड़ी जो भजन में देखना दूसरे चीज में तो हमारी बड़ी उत्साह आती है लेकिन जब भजन की बात होता है ना, बोले भैया नींद आ रही है, तकिया ला तकिया ला, इसलिए दूसरी चीज में हमारी बड़ी उत्साह आ जाती है लेकिन जब कथा सुनेंगे ना फिर तुमको ये जगा देगा, भगवान की कथा तुम्हें जगा देगी, इसलिए इनको रसायन ने बताया। और श्री सुत गोस्वामी ने इस कथा को क्या उदाहरण दिया, काल ब्यालम मुख ग्रासम, तब उन्होंने क्या उदाहरण दिया था, क्या देख रहे हो, हाँ सांप और नेवला का उदाहरण दिया, हाँ सांप और नेवला का उदाहरण दिया। सांप नेवला में जब लड़ाई होती है क्या होता है, अगर सांप अगर नेवला को काट देना, ये नेवला को पता है भैया कौन सा मेडिसिन है जंगल में, उसको सारे पता है, वो जा करके झट उसको खा करके आ जाता है, फिर उसको ताकत मिल जाता, क्यों, सांप काट दिया तो उसमें जहर है, मर जाते हैं, सांप काट देगा तो उसमें जहर है, लेकिन उसको पता है ये जहर को काटने का दवा क्या, उसको पता है, अगर एक बार काट देगा ना, बोले बोले एक्सक्यूज मी थोड़ी सी रुक जाओ अभी मैं आता हूँ, वो जंगल में झट चला जाएगा, वो फिर जो जड़ी बूटी को खा करके ना फिर ताकत पाकर फिर आ जाएगा, फिर नेवला से लड़ेगा, फिर उन्होंने सांप से लड़ेगा, अगर फिर अगर सांप काट देगा ना, बोले एक्सक्यूज मी रुक जा मैं अभी अभी आता हूँ, फिर वो जाएगा, फिर वो दवा को लेगा, फिर आएगा, लास्ट में करते 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 लास्ट में क्या करते, सांप को मार देता है। इसलिए ये सांप क्या, बोले काल, ये संसार रूपी जो काल है ये हमें ग्रास कर रहा है, संसार हमें ग्रास कर रहा है संसार, लेकिन अगर ये ग्रास जो कर रहा है अगर इसको मारना चाहते हो क्या करो, जैसे नेवला बन करके क्या करो, नेवला जैसे जाकर दवा खा लेता है, ये दवा क्या है, भगवान की कथा, अगर ये कथा को कोई पान करता रहेगा ना, ये सर्प तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता, काल रूपी सर्प तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, अगर ये कथा को कोई कंटिन्यू सुनते रहे केवल भगवान की कथा, उसको ये काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अगर कथा नहीं सुनेंगे ना भैया एक दिन ये काल हमें आकर के खा करके हमें चिबा कर खत्म कर देगा, केवल हमें भगवान की कथा ही हमें रक्षा कर सकता है। इसलिए हनुमान जी, इसलिए श्री वाल्मीकि कहते बोले जत्र जत्र हाँ, इसलिए कथा के जो सबसे बड़े रहस्य हनुमान जी, जितनी जगह पर कथा होगी ना, जितनी जगह पर कथा होगी सबसे पहले श्री हनुमत लाल सबसे पहले जाएंगे, इसलिए आप देखना कहीं भी रामायण की कथा होगा ना सबसे पहले हनुमान की तस्वीर, सबसे पहले हनुमान का तस्वीर वहाँ रखते हैं। इसलिए बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भगवान राम की कथा होगा हनुमान जी उतना रूप धारण करते हुए कथा से पहले जाएंगे, और कथा कैसे सुनेंगे, हाथ जोड़ करके और आंखों से आंसुओं को बहाते हुए
अब प्रेम में गदगद होकर के हैं आनंद कुमारी हनुमान जी कथा सुनेंगे और जाएंगे कम, कथा में पहले जाएंगे, लेकिन जब कथा का सब लोग चले जाएंगे, सब लोग चले जाने के बाद फिर सबको प्रणाम करेंगे और जिस जगह पर कथा होती है वहाँ का चरण धूलि लगाएंगे, हैं वहाँ पर लौट पोट उठाएंगे। कारण क्या है, बोले जहाँ पर भगवान की कथा होती है, कहते सर्वाणी तीर्थानी बसंती तत्रा, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है जहाँ पर कथा हो रही है सबके सब निवास करते हैं, और जो कथा सुनते हैं समझो बैठ बैठ करके पृथ्वी का सारे तीर्थ में नहा लिया, पृथ्वी का सारे तीर्थ में तुम्हारी स्नान हो गई। पृथ्वी में कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब, कितने 6 अरब, 1 अरब कितना होता है 100 करोड़, 100 करोड़, 6 अरब मतलब 600 करोड़। कहते जो भगवान की कथा सुनते हैं, कहते समझो बैठ बैठ करके 600 अरब तीर्थ में स्नान तुम्हारी गोता लगाना हो गया बैठ बैठ करके। इसलिए हम कल इस सब कथाओं को अलग अलग शास्त्र में कैसे अलग अलग नाम कथा सुनते हैं, इसलिए आज हम लोग सुनेंगे ये कथा को अलग अलग सब नाम, किसी ने रसायन बताया, किसी ने इसको अमृत बताया, हैं अमृत किसने बताए, ये गोपियों ने, हैं गोपियों ने बताई भगवान की कथा कैसे है। तब कथा अमृतम ताप्त जी ही बनाम कभी भेरे रेताम काल मसापम श्रावण मंगलम श्रीमदा कथम हो विग्रेणन तीते राधा रानी और गोपियाँ कहती है तुम्हारी कथा नहीं, कथा अमृत है, ये अमृत का अगर कोई पान करेगा तो बास अमृतों की प्राप्त कर जाएगा, अमृतों की प्राप्त हो जाएगी, इसलिए गोपियाँ कहती है अमृत। इसलिए कल हम लोगों ने अलग 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 नाम सुना था और उसे सुत गोस्वामी कथा को क्या कहते, बोले आसव, क्या कहते हैं आसव, मतलब क्या आसव, मतलब होता है शराब, हाँ इसलिए शराब को ये इसको कहते हैं, ये आसव कथा को ये शराब भी बताया गया। लेकिन जगत का जैसे शराब रात को पियो तो सवेरे इसका नशा उतर जाती है, लेकिन ये जो कथा रूपी जो आसव इसको पियो तो बस ये नशा कभी उतरती नहीं, ये नशा बढ़ती रहेगी, नशा कभी उतरेगी नहीं, ये नशा हर समय बढ़ेगी ये नशा। और ये ऐसे एक नशा है, इसको उदाहरण दिया है, अगर पिता किसी तरह से अगर शराब पी लिया, अगर पिता शराब पीता है वो कभी बेटा का बोलेगा तू शराब पिए, बोलेगा नहीं, पिता बोलेगा बेटा मेरा जीवन बर्बाद हो गया है शराब पीकर, बेटा तू कभी शराब मत पिया करो, मेरा जीवन तो बिगड़ गया, लेकिन तेरी जीवन नहीं बिगड़नी चाहिए। हर समय कोई भी पिता कभी अपना बच्चे को बोलेगा नहीं तू शराब पिया कर, क्योंकि इसको पीने से जीवन बिगड़ जाती है। लेकिन कथा रूपी शराब को अगर किसने पी लिया तो अगर पिताजी पी लिया ना, बेटे को बोला बेटा तू भी एक बार पी करके देख इसमें कितना आनंद है, एक बार तू भी पी करके देख कितना आनंद है। अगर पत्नी पी लेगा ना, अगर पत्नी कहीं सत्संग में आती है कथा सुनती है, वो पति को बोले तुम भी चलो ना, तुम भी चल करके तक कथा सुनो, कितने रस है कितने आनंद कथा, तुम भी चल। अगर बेटा सुनेगा तो पिता को बोलेगा बोले पिताजी चलो थोड़ी सी कथा सुन कर के आओ, कितने कथा में आनंद है। जो अगर कोई नहीं सुनेगा ना वो क्या करेगा, फिर पकेट से पैसा खर्चा करेगा, पकेट से पैसा खर्चा करेगा, फिर बुलाएगा सबको आओ भागवत कथा होगी, सबके सब भगवान की कथा सुनो, पकेट से पैसा निकाल करके खुद खर्चा करेगा। और जब उनको जिसको नशा लग जाएगा ना, बोले तू भी निकाल पकेट से, अभी तू भी पैसा निकाल और तू भी लोगों को कथा सुनाया करो भगवान की कथा। इसलिए जो पिएगा ना वो दूसरों को भी पिलाने के लिए कोशिश करेगा, ये ऐसे एक नशा है। इसलिए इसको सुत गोस्वामी इसको कथा को आसव को साथ में शराब को साथ में उन्होंने उदाहरण दिया है। इसलिए शास्त्र में कथा के अलग 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 नाम कथा को बताया, ठीक है ना।
आज हम सुनेंगे ये भागवत का जो तीसरा श्लोक है, कहते निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृतम। यहाँ पर भी कथा का अलग अलग नाम दिया है। क्या नाम दिया कथा को बताया? ये कल्पतरु। कल्पतरु मतलब क्या है? जैसे कल्प वृक्ष को नीचे बैठ करके जो मांगो तुम्हें वही मिलेगा। ये अगर कोई कथा कोई सुनेगा तो जो भगवान से मांगो ठाकुर जी वही इच्छा पूरी कर देते हैं। एक तो बताया कल्पतरु, दूसरा क्या बताया अमृतम। इसी श्लोक में उनको अमृत नाम भी, इसका अमृत दिया है नाम। इसलिए हम लोग आज सुनेंगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोक को ऊपर में क्या कहते हैं। इसी श्लोक ऊपर इसको तुम लोगों ने नोट कर लेना, हम जितना दूर हो सकता है हम बताने के लिए कोशिश करेंगे। कहते इसका नाम बता निगम है। निगम, निगम अर्थ क्या? पहला शब्द है निगम। कहते निगम मतलब क्या होता है? बोले जितने सारे सात्वत शास्त्र है जगत में, जितने सात्वत शास्त्र है, कहते भागवत ग्रंथ में जिसमें परम सत्य का चरम तत्व का जो प्रकट हुआ है। निगम मतलब क्या? जगत में जितने सारे शास्त्र है, जितने सात्वत शास्त्र, जगत में कितने सारे शास्त्र है? बहुत शास्त्र है, वेद पुराण उपनिषद, कितना वेद कितने उपनिषद, 108 उपनिषद, कितना पुराण है, महाभारत, जितने सारे ग्रंथ हैं, जितने शाश्वत शास्त्र है। कहते सारे शाश्वत शास्त्र का सत्य वो चरम तत्व का जहाँ पर निगम मतलब होता है प्रकट। मतलब ये भागवत में सारे शास्त्र का जो शाश्वत वास्तव सत्य को जिस ग्रंथ में प्रकटित हुआ है इसको कहते हैं निगम। इसको कहते हैं निगम है, निगम। फिर शब्द आता है कल्पतरु, दूसरा अर्थ आता है कल्पतरु। कल्पतरु मतलब क्या होता है? पहले कल्पतरु मतलब होता है कल्प वृक्ष क्या करता है, उसको नीचे बैठ करके जो चीज को मांगो वो कल्प वृक्ष उसको पूरी कर देता है। इसलिए जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनते हैं कहते ये क्या करेगा, सभी का इच्छाओं को ये पूरी करने वाले, ये सब चीज को पूरी करने वाले ये भागवत ग्रंथ, जो मांगो वही प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जैसे यहाँ पर वृक्ष शब्द बताया, इसको क्या बताया, ये भागवत को कल्प वृक्ष कल्पतरु बताया। जब कल्पतरु बताया यहाँ पर कहते हैं आश्रित, जो भागवत ग्रंथों को आश्रय ग्रहण करेगा उसको इच्छा को ये पूरी करेगा। जब पूरी करेगा कहते यहाँ पर कहते हैं कहते फल भाग निगम रूपी कल्प वृक्ष हो गया, उसका फल क्या बताया ये भागवत, उसको फल क्या बताया ये भागवत, निगम कल्प तरूर गलितम फलम, भागवत को बताया ये गलितम फलम। कैसे फल है गलितम फलम? गलितम फलम मतलब क्या है? इसलिए कहते फल दो तरह का होता है। कितने तरह का फल होता है, क्या क्या होता है बताओ? एक फल होता है पेड़ में पकने से पहले उसको तोड़ करके लाओ और उसको गर्म करके उसको पका दो, ये एक फल होता है। और एक फल होता है जो पेड़ में पकता है, वो फल पेड़ में पकता है। अब बताओ दोनों फल में मीठा कौन सा फल होगा? कौन सा फल मीठा होगा? जो पेड़ में जो पकता है ना वो उसमें ज़्यादा मीठा। इसलिए कहते हैं निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये जो फल है वो पेड़ में पका हुआ फल है, इसको नहीं पकने से पहले तोड़ करके जोर जबरदस्ती ले आओ कार्बाइट देकर उसको पकाओ, नहीं ऐसे ये फल नहीं, जो पेड़ में ही स्वाभाविक रूप में, जो पेड़ में जो पका हुआ फल है स्वाभाविक रूप में फल। इसलिए हाँ इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये पेड़ में पका हुआ फल है। कद देखो ये भागवत को तो बताया ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष, लेकिन कहते भैया ये तो कल्प वृक्ष है, भैया तुमको तो सीखनी चाहिए, ये वृक्ष तो जो मांगोगे वही देगा, जो मांगोगे तुम्हें वही प्रदान करेगा, भैया ये चीज़ तो सीखनी चाहिए, क्या मांगोगे इससे, नहीं तो ठगी जाओगे, छोटे मोटे चीज़ मांग दोगे तो ठगी जाओगे हैं, छोटे मोटे चीज़ यहाँ से मांगनी नहीं चाहिए, सर्वश्रेष्ठ वस्तु मांगनी चाहिए, इससे छोटे मोटे चीज़ नहीं मांगनी चाहिए।
इसलिए कई कई उदाहरण दिया, ये पेड़ है, पेड़ में ये फल क्या है, कहते पेड़ का फल होता है, कहते भैया ये कोई साधारण फल नहीं, कौन सा फल है, बोले गोपी प्रेम ही इसका फल है। क्या फल है? इसमें साधारण फल नहीं, कहते गोपियों ने जैसे भगवान की भक्ति किया है, ये गोपियों की भक्ति ही इसमें ये फल है। कहते इसमें रस क्या है, फल तो हो गया गोपियों का प्रेम हो गया फल, कहते इसमें रस क्या है, बोले राधा कृष्ण का जो प्रेम रस ही इसमें रस, राधा कृष्ण का प्रेम रस ही इसमें रस। रस कोई साधारण वस्तु नहीं, मतलब गोपियों ने जैसे राधा कृष्ण की जैसे राधा कृष्ण का जैसे प्रेम को आस्वादन किया है, ये इसका रस है। बोले इसका कोई प्रमाण है, इसका कोई प्रमाण है, तो यहाँ प्रमाण देते हैं। कहते निगम, निगम मतलब होता है वेद, कहते ये वेद का ऋचा होने कठोर आराधना की भगवान की है। ये बामन पुराण की कथा है, बामन पुराण में आता है, कहते वेद का मंत्र ने एक एक मंत्र एक एक रूप लिया, लेकर के उन्होंने भगवान की कठोर आराधना भगवान की। जब भगवान ने संतुष्ट होकर दर्शन दिए, बोले क्या चाहते हो, इतना कठोर तपस्या क्यों किया, बोले प्रभु ये गोपियों ने जैसे आपका आराधना की है, हम भी चाहते हैं ये गोपियाँ जैसे आराधना करना, मतलब गोपी जैसे भाव को हम पाना चाहते हैं। भगवान कहे देखो ये चीज़ मत मांगा करो, और कोई चीज़ मांगो, क्योंकि ये चीज़ बड़ा दुर्लभ वस्तु है, गोपियों की जो भक्ति जगत में बड़ा दुर्लभ भक्ति, और कोई चीज़ को मांगो, बोले नहीं हमको यही चीज़ चाहिए। तो भगवान तथास्तु बोले, भगवान बोले तथास्तु। इसलिए इसका मतलब है निगम कल्प तरूर गलितम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है क्या है, ये गोपियों का भाव ही इसकी फल है। कहते उसका रस राधा कृष्ण का प्रेम रस, बात कृष्ण की अधरामृत, कृष्ण का अधरामृत को कौन पान करती है, गोपियाँ ही पान करती हैं, हैं गोपियाँ ही, ये अधरामृत को गोपियाँ ही पान करती हैं, इसलिए इनके अधरामृत ही कृष्ण की ये रस है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते ये गलितम फलम, कहते ये जो फल है पका हुआ फल है, भले इसका प्रमाण क्या है, कह देखो ये फल श्री व्यास देव ने अपना बेटा श्री सुखदेव गोस्वामी को पान कराया। जैसे कोई पिता हो बेटे को अगर पान कराता है, इसका मतलब है जो फल है ये मीठा फल है। पिताजी अगर अपना बेटे को कोई फल देगा, वो थोड़ी गंदा फल देगा। कहते जो फल पिताजी खाया होगा, पिताजी को पता होगा भैया ये फल बहुत मीठा फल है, तब वो अपना बेटे को बोलेगा बेटा तू भी ये फल खा, ये फल खाने से शरीर में ताकत आएगा, अब बहुत सुस्वादु फल है। इसलिए श्री व्यास देव ने किसको पिलाया ये फल, किसको खिलाया, श्री सुखदेव गोस्वामी को खिलाया। इसका मतलब है ये व्यास देव का पता, ये जो फल है भागवत और फल है, ये फल मीठा फल है। इसलिए अपना तभी अपना बेटे को उसने ये फल उसने अपना बेटे को खिलाया। हाँ, और दूसरी है तो दो तरह का फल हो गया, एक फल तो हो गया कच्चा अवस्था में तोड़ करके उसको पकाना, और दूसरा तरह का फल हो गया जो पेड़ में अपने आप जो फल पक जाए। कहते एक में तो पेड़ अपनी आप में पका हुआ है, फिर उसको दूसरा क्या हो गया, बोले सुख मुखात अमृत द्रव सचिन, फिर वो फल को जो सुख रूपी जो चिड़िया उड़ते हुए गया और वो फल को चोंच मार दिया, जो चोंच मारे इतने में फल टपक बड़ा जो गिर गया। इसलिए एक कहावत है हमारे हिंदी में, अगर जिस फल में ये तोता ने चोंच मार देता है ना, उसमें ज़्यादा मिठास आ जाता है, ज़्यादा उसमें मिठास आ जाता है, क्योंकि कारण है, कहते ये तोता का एक विशेष गुण, क्या गुण पता है, वो कभी कच्चा फल में चोंच नहीं मारेगा, वो पक्का फल में ही चोंच मारेगा। इसका तात्पर्य ये जो भागवत है ये कच्चा फल भागवत नहीं, ये भागवत पका हुआ फल, एक तो पका हुआ फल, फिर दूसरा जब उसने तोता ने चोंच मारे उसमें ज़्यादा मिठास, उसमें ज़्यादा मिठास आ जाती। बोले कारण क्या है, तो यहाँ पर बताए
ये जो सुखदेव गोस्वामी कौन है बोलो, बोलो ये सुखदेव गोस्वामी कौन, बोलो श्लोक बोलो। कहती ये प्रिया सुख श्री वृषभान जाए, श्लोक याद है? हाँ नहीं, ये नहीं, वो तो दूसरा है। ये जो श्लोक है, प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेन एकांत कनन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। ये जो तोता है राधा रानी की, कहते चार तरह को सुख है, उनके चार तोते हैं। कितना तोते हैं? कहते एक है विचक्षण तोता जो बड़ा चतुर है, दूसरा है मंजूभाषी जो बड़ी मीठी भाषी बोलता है, तीसरा है सुभा हाँ जो मंगलदायी तोता है, और तोता क्या है बोलो। हाँ इसलिए कहते उनकी 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 कहते ये चार तरह का राधा रानी के तोता है। इसलिए कहते ये जो तोता है कहते प्रिया हैं, प्रिया सुकश्री वृषभानुजाया, कहते इनकी कथा इतने मिठास क्यों हुआ जब वहाँ 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे। कितना ऋषि बैठे थे वहाँ? 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, कोई 100 साल के, कोई 200 साल के, कोई 500 साल के, कोई 1,000 साल के, जटा जुटधारी बड़े बड़े वहाँ पर ऋषि लोग बैठे हुए थे। लेकिन जब कथा सुने ना, सबसे जो छोटे बच्चा था नंगे धड़ंगे, शरीर में कोई कपड़ा है ही नहीं, नंगे धड़ंगे, सबसे छोटा कोई कहते 12 साल, कोई कहते 16 साल, और इन सही इतने बड़े बड़े ऋषि लोग वहाँ पर कथा सुने। क्यों कथा सुने, इनसे क्यों कथा सुने? कारण है कहती ये राधा रानी की एक सखी है, कि राधा रानी की ये निकुंज में, राधा जी की निकुंज में रहने वाले राधा रानी कभी कभी इनको कृष्ण रूप मान करके चुंबन करती थी। राधा रानी जब चुंबन करती थी, राधा जी की जो मुख का जो अधरा मृत है इनके ठोंट में, राधा जी की अधरा मृत इनको ठोंट में लगा हुआ, और जिसमें राधा जी की अधरा मृत कहीं लगा हो हाँ राधा, उसको उल्टा दो क्या हो जाएगा, राधा को क्या बन जाएगी, धारा। बोले ये राधा नहीं, ये कृष्ण प्रेम रस की ये धारा श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, और जोर से बोलो, सबको नींद आ रही लग रहा है। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए ये राधा जी की ये प्रिया सुख है, राधा रानी कौन है, ये प्रेम रस की धारा श्री राधा रानी। इसलिए अगर राधा जी की, देखो साधारण व्यक्ति कथा सुनाए कितना मीठा होता है, लेकिन जो राधा रानी के निकुंज में रहता होगा, राधा जी की कोई प्रिय सखी होगी, तब समझो वो कथा कितने सुंदर नहीं होगा। अगर राधा रानी जब कथा सुनाए और कितना मीठा नहीं होगा, कितना मीठा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब इन्होंने चोंच मारे, मतलब फल तो मीठा है, लेकिन मतलब भगवान की कथा तो मीठा है, लेकिन जब ये सुखदेव गोस्वामी के मुंह से कथा निकली, ये और भी उसमें मिठास आ गई। इसलिए सुख मुखा, देखो इसमें 4-5 अर्थ है, कल मैं सुनूंगा, मैं आज मैं बताऊंगा, कल सुनूंगा, 4-5 अर्थ है ये सुख मुखा। मतलब ये एक अर्थ क्या हो गया, इसका एक अर्थ क्या हुआ, क्या हुआ एक अर्थ, ये सुखदेव गोस्वामी राधा जी की प्रिय तोता सखी है, इसलिए जब इनके मुंह से कथा निकली उसमें मीठा, ये एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या है, बोले सुख मुखात। अभी प्रश्न है वो पेड़ है, पेड़ में ये फल फला हुआ, लेकिन वो कहाँ पर ये फल फल था, बोले पेड़ का सबसे ऊंचाई शाखा पर ये फल था, सबसे ऊंचाई शाखा पर। बहुत लोग तो हुए हैं, तरह तरह का ऋषि मुनि लोग हुए, लेकिन ये फल किसका नजर में नहीं आया, किसकी नजर में नहीं आया, नहीं तो और कोई तोड़कर खा लेता ना, किसकी नजर में अगर आता तो और कोई तोड़कर खा लेता, इसलिए किसकी नजर में नहीं आया, किसकी नजर में आए, बोले तोता की नजर में। बोले क्यों, इनकी नजर में क्यों आए, और कोई देख क्यों नहीं, बोले सुख मुखात। ये जो ये संस्कृत शब्द सुख मुखात मतलब पंचमी है, सुख मुख से, सुख मुख से, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब तक कोई शुद्ध गुरु परंपरा में नहीं आए, ये फल को आस्वादन नहीं कर सकता है। ये फल को वही आस्वादन कर सकता है जो शुद्ध वैष्णव परंपरा में आएंगे। इसलिए ये सबसे फल ये किसने दिया, बोले भगवान पहले ये फल को खाए, खा करके ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी किसको दिए,
ब्रह्मा जी किसको दिए? नारद जी को दिए। मतलब भगवान जब खाए उसमें भगवान के अधरामृत लगा, जब उसको फिर ब्रह्मा जी खाए फिर उसमें और भी मिठास आ गया। क्यों? ब्रह्मा जी के अधरामृत उसमें लगा। ब्रह्मा जी किसको दिए? नारद जी को दिए। फिर नारद जी खाए, जब नारद खाए उसमें नारद जी का भी अधरामृत आ गया। फिर नारद जी खा कर किसको दिए? व्यास देव को। जो व्यास देव जो फल खाए उसमें भी उनका अधरामृत। फिर उन्होंने खा कर किसको दिया? श्री सुखदेव गोस्वामी को दिया। मतलब ये फल जितने नीचे आते जा रहा है ना, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से मिठास उसमें आती जा रही है। इसलिए ये फल को कोई नहीं देख पाए, कोई ये गुरु परंपरा में नहीं आए। इसलिए ये फल को वही खा सकते हैं जो व्यक्ति शुद्ध गुरु परंपरा में आएंगे। गुरु परंपरा में नहीं आएंगे तो ये फल तुम्हें नहीं मिल सकता है। इसलिए सुखमुखाति दूसरा अर्थ हो गया। बोले तीसरा अर्थ है, तीसरा अर्थ है ये फल कहाँ पर था? सबसे ऊंचाई शाखा पर, एकदम पका हुआ फल। कोई आम हो एकदम पका हुआ और पेड़ का सबसे ऊंचाई में हो, अगर तोता ने उसको चोंच लगाए गिरा, गिरेगा तो क्या होगा? इतने नीचे गिरेगा तो आम क्या होगा? फट करके तसनस हो जाएगी। अगर नीचे गिरेगा तो फट जाएगा कि नहीं? फल फट जाएगा। लेकिन ये फल फटा नहीं, क्यों? ये फल फट जानी चाहिए लेकिन जीव की तुई आ गया। बोले कारण क्या? बोले कारण है जैसे मेरे पास में कोई पका फल हो, मैंने राहुल को दिया, राहुल ने बाबा को दिया, बाबा ने चिराग को दिया, चिराग ने सखी को दिया, उसने उनको दिया, ऐसे करते करते जो पीछे बैठा हुआ, क्या नाम तेरा है? मुरारी। इसलिए अगर ये फल अगर ऐसे ऐसे जाएगा ना, देखना वो फल में यूं की तुई वहां पर पहुंच जाएगा। क्यों? एक व्यक्ति दूसरों को तीसरे को तीसरे चौथ को दे रहे हैं ये फल। इसलिए जो पीछे पहुंचेगा ना उसमें एक खोरच तक भी नहीं आएगी। उसी तरह ये जो फल को भगवान खाए, ब्रह्मा जी को हाथ में दिया, फिर नारद जी को दिया, फिर व्यास देव को दिया, फिर सुखदेव गोस्वामी को दिया, फिर सुत गोस्वामी को दिया, फिर परीक्षित को दिया, ये परंपरा में ना धीरे 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 ये नीचे एक से दूसरे दूसरे, बल्कि जितने नीचे आते जा रहे हैं ना उसमें ज़्यादा सा मीठा सा आ रहे हैं, क्योंकि जो उसको खाते हैं उसका भी अधरामृत प्रसाद उसमें लगा हुआ। बल्कि जिसने नीचे आ रहा है ना उतना उसमें क्या हो रहा है? उतना मीठा सा। कहते ये तीसरा अर्थ है। चौथा अर्थ है भले सुख मुखात अमृत द्रव संजतम। कहते ये सुख गोस्वामी मुँह से निकली, जब निकली, एक उदाहरण देते हैं, जैसे हमारा हरा नारियल बिकता है ना, आप लोग खाए हो हरा नारियल? नारियल बिकता है ना, हरा नारियल हैं, आप लोग इधर तो है नहीं, बिकता है हैं। उसको कैसे खाते हैं बताओ तो? पहले उसका सर को काट देते हैं, काट देते हैं ना, काट करके उसमें के छेद बना देते हैं, और के छेद बना करके उसमें के पाइप डाल देते हैं। पिए कि नहीं? कौन कौन पिए हो? पिए हो? हाँ। देन उसमें के पाइप डाल देते हैं, पाइप को मुँह में लगा करके लो ना, देखना उसमें एक बूंद भी नहीं टपकेगा। एक बूंद टपकेगा वो पूरा के पूरा तुम्हारी मुंह में एक बूंद नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको पीने का सही तरीका नहीं जाने ना, अगर बीच में काट देगा तो सारे पानी गिर जाएगा। इसलिए जो पीने वाले जानते हैं उसका मुंह ऊपर से थोड़ी सी काट करके पाइप डाल करके पूरा के पूरा पी लेते हैं। कहते इसका मतलब है सुख मुखात अमृत। मतलब है अगर ये रस को हम गुरु परंपरा से अगर पान करेंगे, ये फल को अगर गुरु परंपरा माध्यम से पान करेंगे ना, इसका एक बूंद भी बिखरने वाले नहीं, उसका एक बूंद भी ये बिखरेगा नहीं, पूरा के पूरा तुम्हारी मुंह में रस के पूरा आएगा, बल्कि उससे ज़्यादा आएगा। पहले जो जो पान किए हैं उससे भी ज़्यादा तुम्हारी पास में ज़्यादा आएगा, एक बूंद उससे नहीं निकलेगा। इसलिए और उसका जो तीसरा जो उसका जो पांचवा जो फल होता है बोले सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। जब सुख पखी की मुंह से निकली उसमें और भी ज़्यादा मिठास। बोले कारण क्या है? हाँ, इसका एक कारण से जीव गोस्वामी इसका उसका और कारण बताते हैं। देखो अभी यहाँ प्रश्न है, जब सुखदेव गोस्वामी का मुंह से कथा निकली और मिठा, कारण क्या? उसका कारण बताए जीव गोस्वामी, इसका कारण कहते हैं,
कहते ऐसे कुछ कुछ फल होता है जिस फल को अगर आप पेड़ से डायरेक्ट तोड़ करके अगर बीज लगाओगे ना पेड़ नहीं होगा। ऐसे ऐसे कुछ वृक्ष है अगर कहते ना अगर वो पेड़ से डायरेक्ट फल को ले जाओ और उसको मिट्टी में बोओगे ना वो पेड़ नहीं होगा। कौन सा पेड़ ऐसे है? कहते हैं कि पीपल का पेड़ है और ये बट वृक्ष है। ये बट वृक्ष और पीपल पेड़ देखना, आप कहीं नहीं देखोगे बट वृक्ष को नीचे पीपल का पेड़ को नीचे कोई पीपल का पेड़ है। कहाँ पर देखोगे? छत के ऊपर देखोगे, छत के ऊपर देखोगे, नहीं तो किसी पेड़ ऊपर देखोगे। बोले ऐसे क्यों? वो वृक्ष का एक नियम है, उसको जब कोई चिड़िया खा ले अपना पेट में ले जाए उसका पेट में ऐसे कुछ रस है, उसका पेट में ऐसे कुछ रस उसका पेट में उसको अंदर में मिल जाए फिर जब वो पैखाना करता है जब बीट करता है फिर जाकर वो पेड़ होगा, नहीं तो पेड़ नहीं होगा। डायरेक्ट उसका पेड़ नहीं होगा। इसका ये प्रोसेस है, हैं? इसका तात्पर्य यह है अगर कोई सोचेगा नहीं हम घर में बैठे बैठ कर भागवत पढ़ लेंगे, घर में बैठे बैठ कर गीता को पढ़ लेंगे, हम क्या कम लिखे पढ़े भैया? ये होने वाले नहीं, अपने आप पढ़ने का वस्तु नहीं है ये शास्त्र, अपने आप पढ़ने का वस्तु नहीं। इसी जगत में देखो कोई बच्चा है पुस्तक तो ले आएगा, पुस्तक तो पढ़ना जानता है लेकिन किसी अच्छे टीचर के पास में जाता है, ट्यूशन करने जाता है ना, स्कूल में जाता है, क्यों? खुद पढ़ लो ना, तुम्हारे पास में पुस्तक पढ़ लो खुद, नहीं होने वाले। उसको कोई अच्छे टीचर के पास में उसको जाना पड़ेगा। उसी तरह शास्त्र अपने आप पढ़ने का वस्तु नहीं, खुद जितने विद्वान हो, कहते कोई तरता है कोई मरता है ग्रंथ पढ़ करके, समुद्र मंथन से जैसे जहर भी निकला और वहाँ से अमृत भी निकला, दो चीज़ निकलता है शास्त्र में, जहर भी निकलती है और शास्त्र से ये अमृत निकलती है। इसलिए क्या करनी चाहिए? किसी अच्छे गुरु को पास में, अच्छे किसी साधु को पास में जाकर ग्रंथ को पढ़नी चाहिए। इसलिए बोले जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। इसलिए क्या करो? किसी शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में ये शास्त्र ग्रंथों को पढ़नी चाहिए, तभी ये शास्त्र का जो तात्पर्य है हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। नहीं तो अपने आप ये ग्रंथों को आप स्वयं पढ़ नहीं सकते हो। इसलिए यह उदाहरण देते हैं, बोले सुख मुखात, मतलब क्या है? जब ये कथा श्री सुखदेव गोस्वामी के मुंह से जब ये कथा निकली, ए क्या कर रहे हो ए बच्चों रखो, इसलिए कहते जब श्री सुखदेव गोस्वामी की मुंह से कथा निकली ये कथा में और ज़्यादा मिठास हो गई। तात्पर्य यह है, इसका तात्पर्य यह है जब ये कथा हम किसी शुद्ध वैष्णव का मुंह से कथा सुनेंगे, हैं, जैसे वो चिड़िया ने पेट में बीज को लेने का बाद जब उसको बीट करता है जैसे उससे फिर वृक्ष बनेगा, नहीं तो वृक्ष उससे नहीं बनती हैं। उसी तरह जो भगवान की कथा को जब किसी शुद्ध साधु के मुंह से कथा सुनेंगे, सुनने पर क्या होगा? उसका हृदय में जो कथा है, उसके हृदय में जो भाव है, वो कथा वो भाव के साथ में निकलेगा, वो कथा उसकी भाव के साथ में। नहीं तो शास्त्र में क्या बताया? अवैष्णव मुखद गिरनम पुतम हरि कथा मृतम श्रवण एवं नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथा। क्या उदाहरण दिया? आप लोग ने दूध पिए हो? कौन कौन ने दूध पिए हो? सब पिए हो। क्या दूध पीने से क्या होता है बताओ? ताकत बढ़ेगा, हमारी खुदा निवृत्ति होगी, शरीर में ताकत दे जाएगा। लेकिन वही दूध को अगर सांप मुंह मार दिया तो बताओ क्या होगा? दूध पीने से क्या होगा? वो देखने के लिए दूध होगा, अगर पियोगे तो क्या होगा? मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। देखने के लिए दूध लेकिन पियोगे तो मृत्यु का कारण बताया। इसलिए कहते अगर कोई वैष्णव नहीं, भक्ति करने वाले व्यक्ति नहीं, लेकिन भगवान की कथा अगर सुनोगे तो क्या होगा? वो देखने के लिए तो कथा लगेगा, कथा बोल रही, लेकिन उससे तुम्हारी कल्याण नहीं होगा, मंगल नहीं होगा। क्यों? वो अपना जीवन में नहीं उतारते हैं, अपना जीवन में भक्ति नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, केवल उपदेश दे रहे हैं। इसलिए केवल उपदेश देने वाले व्यक्ति, साधन भजन करने वाले नहीं, वो कथा से जीव का कल्याण नहीं, कल्याण उसकी होगी जो वैष्णव हो, भजन करता व्यक्ति हो, प्रभु की भजन करता है, वो जब कथा को सुनेंगे। इसलिए बोले सुख मुखात, ये कथा तो रस है लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी की मुंह से कथा निकली बास अमृतम, वो कथा क्या बन गया? वो कथा
अमृत बन गया वो कथा, वो कथा अमृत बन गया कथा। क्या है गुरुजी, कुछ आपने अभी बताया ना कि चार तरह के जो तोते बताए, चक्ष विचक्षण और मृदुभाषी, ये सब। तो ये बताओ कि जब भागवत जी सुना रहे थे शुभदेव जी, तो वो जो तोते थे वो चारों मिलकर? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, और राधा रानी के अलग अलग जो चार तोता बताया ना, ये गोविंद लीला अमृत ग्रंथ में, ये इनका अलग अलग काम है, ये अलग अलग काम करते हैं। उनका कि निकुंज में सेवा, एक म्यास धरने वाले, एक को हाथ में बैठाते हैं, उनको अलग अलग सो तोता अलग अलग तोता है, और ये जो तोता है ये अलग बात है। इसलिए बोले बोले सुखमुखात अमृत, इसलिए कहते हैं ये कथा जब से सुखदेव गोस्वामी के मुँह से निकली उसमें और रस आ गया, उसमें आनंद आ गया है, कल अमृत बन गया। सुखमुखात अमृत है द्रव संजुतम, बोले क्या करो इसको, पियो। क्या करो इसको, खूब पान करो इसको, इसको पान करो। बोले आप पहले तो बता दिया फल है, ये भागवत को बताए ना, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। आप बताओ फल को खाते हो ना फल को पीते हो? बोलो फल को खाते हो ना फल को पीते हो? खाते हो, पीते नहीं? हाँ। बोले आपने आप बोल दिया इसको पियो, बोले ये ऐसे के फल है ना, देखना हर फल में गुठली और छिलका होता है, होता है कि नहीं? ऐसे कोई फल है जिसमें गुठली नहीं छिलका नहीं? सभी में कुछ ना कुछ बीज होगा उसमें, और उसकी छिलका भी होगा। कहते ये भागवत कथा ऐसे के हैं जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें केवल रसी रस है, जिसमें केवल रसी रस है जिसमें। इसलिए क्या कर उसको पियो। बोले इसको पियेंगे कैसे, इसको जैसे कोई चीज को जब हम पीते हैं ना, किधर से पीते हैं? मुंह से। जैसे कोई चीज पीते हो किधर से पीते हो? किधर से पीते हो? लेकिन अभी जो रस को पान कर रहे हो किधर से पी रहे हो? कानों से। बोले ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से पी नहीं जाती, इसको किधर से पी जाती है? कानों से पी जाती है। कहते मुंह से पीने का और कानों में पीने का फर्क क्या है? कहते कोई चीज अगर आप मुंह से पियोगे ना अंदर में रख नहीं सकते हो, कोई भी चीज अगर आप मुंह से पियोगे अंदर में रख सकते हो वो निकलेगा, लेकिन कोई चीज को अगर कानों से पियेंगे फिर निकलता है? नहीं निकलेगा। इसलिए कोई चीज, इसलिए कहते भैया ये चीज को मुंह से मत पिया करो, किधर से पियो? इसको कानों से पिया करो, मुंह से नहीं। मुंह से पियोगे तो निकलेगा, कानों से पियोगे तो कभी निकलेगा नहीं। इसलिए बोले पी बतम, कहते भैया इसको कब तक पिए ये रस को? बोले कब तक पीते रहोगे? बोले आलयम। आलय मतलब क्या है? कहते पी 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 करके जब तक बेहोश नहीं हो जाते हो, आलय मतलब मूर्छित हैं। अब एक शराबी को देखना क्या करता है, तब तक पिएगा जब तक बेहोश नहीं हो जाता है, हैं? वो पीता रहता है, फिर जब होश उठता ना फिर पीता है। इसलिए कहते भैया इसको छोड़ना नहीं, क्या करो ये रस को पीते रहो, खूब पीते रहो। बोले कब तक? बोले जब तक पी पी करके बेहोश नहीं हो जाते हो। बोले जब फिर उठो, बोले फिर पियो, हैं? इसको फिर पियो, इसको छोड़ना नहीं, ये चीज को छोड़ना नहीं, हर समय पीते रहो। देखो ये चीज को जैसे जो कथा है, जैसे अभी पिया है ना, फिर जब थोड़ी थोड़ी इसका नशा घटाएगा फिर दोबारा पी दोगे तो क्या होगा, फिर नशा आ जाती है। उसी तरह जो भगवान की कथा है, अगर ये कथा को सुनते रहोगे ना, तुम्हारी अंदर में भक्ति की, हैं, भक्ति की जो भावना जगी रहेगी। अगर कथा को नहीं सुनोगे ना, फिर धीरे धीरे भक्ति की भावना घटते आएगी। फिर हरिनाम में रुचि नहीं होगा, भगवान की भक्ति करने में प्रेम नहीं आएगा। लेकिन जो व्यक्ति ये कथा रस को पीते रहेगा, सत्संग में आता रहेगा, उसका हर समय उसका भक्ति हरी भरी रहेगी। भक्ति नहीं तो भक्ति हरी भरी नहीं रहेगी। दो दिन बाद में ये नशा उतर जाएगी, कंठी उतर जाएगी, तिलक माला फल सब उतर जाएगी, माला लटका करके रख लेगी। क्योंकि कथा क्यों माला करेंगे, माला करने से क्या होता है, इसको जब तक नहीं सुनेंगे हृदय में भजन करने की भावना नहीं आएगी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कथा को क्या करो, मुँह रहो हर समय, उसमें डुबकी लगाते रहो, ये कथा रस को मत छोड़ा करो, हर समय इसकी कथा में डुबकी लगाओ। इसलिए मुँह रहो। कहते भैया इसको कौन पी सकते हैं? भले रसी का भावु का, केवल दो व्यक्ति रस को पी सकते हैं, जो रसिक हो और जो भावुक हो, केवल ये कथा रस को वही पी सकते हैं, ये कथा को सभी नहीं पी सकते। मतलब क्या, जो बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति हो,
जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जिनकी करोड़ों करोड़ जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ हो वही व्यक्ति ही भगवत कथा रस में वही डुबकी लगा सकते हैं, वही कथा को वही सुन सकते हैं। सभी ये कथा को सुन नहीं सकते, इसलिए रसिका भूवी भावुका। बोले ये कथा को कहाँ पर सुने, कथा को कहाँ पर सुने? बोले भूवी, भूवी मतलब क्या? इसी मरते जगत में, इसी मरते जगत में, इसी जगत में कथा कहाँ पर है? हम पहले सुने ना, स्वर्ग में भी कथा नहीं, ब्रह्मलोक में भी कथा नहीं, शिवलोक में भी कथा नहीं, यहाँ तक कैलाश लोक में भी भगवान की कथा, कैलाश लोक में भी कथा नहीं। इसलिए रस को कहाँ पान कर? बोले भूवी, इसी मरते जगत में ये कथा रूपी गंगा इसी मरते जगत में बहती है, क्या करो? हर समय ये कथा रूपी गंगा में गोता लगाते रहो, ये कथा को नहीं सुननी चाहिए, छोड़नी चाहिए। इसलिए फिर इसका और थोड़ी थोड़ी अर्थ है, फिर कल सुनेंगे, इसका और कुछ अर्थ है, थोड़ी थोड़ी अच्छे अच्छे अर्थ है, फिर कल सुनेंगे, ठीक है ना? इसलिए कथा को क्या बताया? अमृत, और इसको क्या बताया? निगम कल्पत। और ये कथा नहीं, ये कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष क्या करता है? सबको इच्छाओं को ये पूरी करता है, ये भागवत कथा, ठीक है? इसमें बहुत बहुत बोला, मैं तो थोड़ी सी बोला है, ज़्यादा बोला नहीं, तुम लोग धैर्य नहीं रहेगा, इसलिए इसके ऊपर में बहुत बहुत बोलते हैं, इसके ऊपर में। इसलिए हरे कृष्णा, इसलिए कल मैंने जो कथा सुनाया था, कोई 5 मिनट ही सुना सकते हो? हाँ, जनार्दन सुना, उनको माइक दे दो तो। हाँ, जिनको समय हो गया आप लोग जा सकते हो कथा में, इसलिए हम लोग आपसे समझ से अच्छा करें। हाँ, को आप लोगों को बीच बीच में आ जाना, ठीक है? और बाद में आओगे तो ना, अब हम तुलसी ठंडी देते हैं, ठीक है? ये तुलसी माला ले जाना आके हाथ पे। आज आज एकादशी, एकादशी व्रत रखियो, ठीक है ना? एकादशी व्रत रखते कि नहीं, आप भी रखते हो? हाँ, एकादशी व्रत जरूर रखा करो, भले कोई व्रत मत रखा करो, लेकिन एकादशी व्रत को जरूर, एकादशी व्रत रखा करो, ठीक है ना? और होगा तो परिवार में बच्चों को भी रखवा करो। एकादशी से बड़ा तिथि दुनिया में कुछ नहीं, जो मांगोगे एकादशी व्रत करके वही मिलेगा, हैं? अगर सारे व्रत को एक तरफ कर दिया, व्रत एकादशी व्रत रखा, इसको साथ में कोई व्रत को तुम बराबर नहीं कर सकते हो, इसलिए एकादशी व्रत रखियो। एकादशी पता है क्या क्या खाते हैं? हाँ, फलाहार करना, और जो कल है कितना समय होगा? 9:30 कुछ होगा, 10 बजे तक, 10 बजे के अंदर में जैसे ठाकुर को कोई चीज़ भोग लगा करके, जैसे चावल अन्न हो, फिर जो व्रत खोलना पड़ता है, एकादशी करके व्रत खोलना पड़ता है, इसलिए उसमें व्रत चावल थोड़ी सी, जैसे रोटी हो, जो कुछ होता है, जो अन्न से व्रत को खोल देना। अगर और ये काम कर सकते हो, नियम है व्रत खोलने से पहले, नियम होता है कुछ साधु संतों को कुछ देख करके अगर व्रत खोलोगे तो उसमें विशेष महिमा। अगर हो सके एक थाला लेना, उसमें थोड़ी सी आटा, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी नमक, हल्दी थोड़ी थोड़ी निकाल देना, और उसको मंदिर में यहाँ पर ला करके, जब तुम्हारी समय होगा, हैं, यहाँ पर ला कर दे देना, क्योंकि यहाँ साधु संत रहते हैं, ठाकुर जी रहते हैं, अगर उनको थोड़ी इसके लिए निकाल करके अगर व्रत खोलोगे, ये व्रत का पूरा फल मिलता है, उसकी पूरा फल मिलता है, ठीक है ना? इसलिए हमारे भक्त लोग कुछ निकाल करके यहाँ पर ठाकुर को सेवा के लिए दे कर जाते, ठीक। हाँ बोलो। तो ये ऐसा एक औषधि है, जितने संसार में जीव है, तीनों काम, तीनों क्लेशों से चालक और तीनों क्लेशों से घिरे हुए हैं, तो उनकी जो ये बीमारी को दूर करने के लिए सुखदेव को हम कहते हैं ये भव औषधि है, भव रोगों को दूर करने वाला ये औषधि है, भव औषधि शुद्ध मनोभिरामा। और ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो इस कथा का आश्रय नहीं लेगा, वो केवल ब्याज हो सकता है, बिना पशु ज्ञान के, बिना मतलब भगवान की कथा के बिना अगर कोई रह
जो अति चीप और हिंसा करके जिसका मन अति कठोर हो चुका है वही भागवत कथा रूपी कथा की औषध को पान नहीं करेगा, अपना बीमारी को दूर नहीं करेगा। तथा कपिल देव कहते हैं कि मैं जैसे इसमें बताया जो भव औषधि, औषधि तो बताया, फिर यहाँ प्रश्न करते हैं ना औषधि तो कड़वी होती है, फिर क्या भगवान की कथा कड़वी है? बोले नहीं, मनो श्रुतो भी रामा, जो मन और हृदय को जो आनंद देने वाली कथा, ये कड़वी नहीं होता है। और इसलिए इसको उदाहरण देने के लिए पृथु महाराज बताए, नकाम ना तदप्यम क्वचित नजत्र वैकुंठ हैं नजत्र जुस्मात चरणाम भुज सब, इसमें उदाहरण देते हैं। बोले प्रभु जहाँ पर भगवान की कथा नहीं, जहाँ पर तुम्हारी महोत्सव नहीं, इसलिए हम वहाँ जन्म लेना नहीं चाहते। इसलिए कहते विभत्स कर्ण जुथा उसमें पर, बोले मेरे को 1000 कान दे दो। बोले क्यों? बोले तुम्हारी कथा में बड़ा आनंद है, कथा में तुम्हारी बड़ा रस है, इसलिए मैं 1000 दो कान से कथा सुन करके मेरे को आनंद नहीं मिलता है। अगर मेरे को 1000 कान मिल जाएगा तो कथा सुनकर मेरे को आनंद आएगा। इसलिए कहते हैं निवृत तस्सई रूपज्ञ मनात, इस श्लोक में कहते हैं केवल यही लोग नहीं जो निवृत संपूर्ण रूप में माया से उठ गए, ऊपर उठ गए। बोले कौन? बोले श्री सुखदेव गोस्वामी चतुसन जैसे व्यक्ति भी जब भगवान की कुर्बन अहितु की भक्ति इथम भूत गुण हरि, भगवान हरि की ऐसे कथा है, वे लोग भी कथा सुनने के लिए तरसते हैं। कथा सुनने पर वो भी सारे ब्रह्म ज्ञान ध्यान को त्याग दे देते हैं, कथा में आ जाते हैं। इसलिए ये श्लोक है, इसलिए इसको बताया भगवान कथा क्या बताया औषध। और श्री कपिल देव कहते हैं कथा नहीं क्या है, रसायन। इसको विषय में कौन बोलेगा? रसायन बोल सकते हो? श्लोक याद है तुम्हारी? हाँ राहुल बोलो, भगवान की कथा रसायन। कपिल देव कल क्या कपिल देव बताया था सतांग प्रसंगा, बोलो इनको दो माइक दो, बोलो दे। इसलिए देखो, हाँ देखो देखो ये चीज समझो, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ जैसे तुम लोग धीरे 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 बोलना सीखो, ठीक है ना। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे धीरे, इस बात को धीरे धीरे बोलना सीखोगे ना, फिर धीरे धीरे क्या होगा, तुम भी एक दिन भगवान की कथा बोल सको। जैसे हम मथुरा में रहते हुए जो बड़े गुरु जी थे ऐसे ही सिखाया करते थे, तुम भी बोलो तुम भी बोलो, कोई तिथि आता था बोलते थे बोलो बोलो, तब हम बोलते 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 सीख गए। इसलिए हम चाहते हैं जैसे तुम लोग थोड़ी 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 बोलोगे तो फिर कथा को कहीं पर खड़े होकर के एकदम नी धड़ के बोल सकते हो, अगर बोलोगे नहीं फिर सीख नहीं पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। इसलिए जब यहाँ आओ मैं जो कथा सुनाता हूँ उसको पढ़ करके आओ, पढ़ करके आओगे ना, फिर पढ़ करके आओगे फिर बोलोगे, वाह बिंदु मिल मिल कर सिंधु हो जाएगा, बिंदु मिल मिल कर सिंधु होगा, बिंदु नहीं बोलोगे तो सिंधु कभी होगा नहीं, ये चीज़ को समझो बोलो। हाँ और कोशिश करना उसमें जो एक एक श्लोक है, एक एक जो श्लोक है उसको याद करने के लिए, एक एक श्लोक को याद करने के लिए। हाँ बोलो कपिल। हाँ भगवान कपिल देव माता देवती को कह रहे हैं, भगवान कपिल देव माता देवती को कहते हैं कि जो मुझे पाना चाहते हैं उनको भक्तों का संग करना ही होगा, बिना भक्तों के संग के मुझे नहीं पा सकते, और ये जो मेरी कथा है ये बहुत बलवान है, ये आपके सभी पापों को मिटाकर मुझे प्राप्त करा सकती है। इसमें कपिल देव बताते हैं कि जो ये कथा है ये एक रसायन है, ये रसायन क्या होता है कि रसायन 10 प्रकार की जड़ी बूटियों से बना होता है, इसमें कई तरह के मतलब शरीर के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है एक जगह मिला के एक बूटी बनाई जाती है जिसको रसायन कहते हैं, जो शरीर को अच्छी तरह मजबूत करती है और अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ने की शरीर को क्षमता प्रदान करती है। उसी प्रकार हमारा जीवन में भी बहुत सारी बहुत तरह की व्याधियां हैं जो हम माया में ग्रस्त होकर इस संसार में पड़े हैं और तरह तरह के दुखों को भोग कर रहे हैं, परंतु कपिल देव कहते हैं उन सबसे बचा जा सकता है, भगवान की कथा रूपी रसायन है, इसका अगर हम शुद्ध परंपरा से शुद्ध साधु संघ से मिलकर इस कथा का पाठ करें तो ये रसायन हमें उन सभी दुखों से उन माया के बंधन से छुटकारा प्रदान कर सकती है। इसमें गुरुदेव ने बताया कि
पांच प्रकार के जो और मैं ये सब क्लेश ये विनष्ट हो जाते हैं। इसमें पै का बताया कि इसमें जो भी इस प्रकार कथा सुनने के लिए जो भी परिश्रम होगा वो हमेशा साथ में वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरा है इसमें जिस प्रकार एक अपने की जो ज्यादा काम करता है जैसे वैसे है व्यर्था व्यर्थता जीवन की जितनी भी सारी व्यर्थता है वो सभी दूर हो जाएगी। छोटा है भय कि किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। भय कौन सा है इस समय मनुष्य जीवन में जो सबसे बड़ा भय है वो मृत्यु का भय है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही है, इससे बड़ा और कोई भय नहीं है। जब शुद्ध साधु संघ में हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे और वो रसायन हमें प्राप्त होगा तो हमें अकाल मृत्यु से भय बिल्कुल दूर हो जाएगा। हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे और लास्ट मृत्यु से जय होगी। मृत्यु से जय इसमें बताया गया मृत्यु जय होगी, पर मृत्यु से जय तो किसी की नहीं होती। इसमें मृत्यु का जय मतलब क्या है कि वो जिस प्रकार एक बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है और उसी मुंह से चूहे को भी उठाती है। जब चूहे को उठाती है तो वह उसके प्राण ले लेती है और जब अपने बच्चे को उठाती है तो उसकी नींद भी नहीं खुलती, इतने आसान तरीके से उसको उठाती है। जब हम भगवान की कथा सुने श्रवण सुख साधु संघ से श्रवण करेंगे तो वो हमारे उस जो मृत्यु आएगी उस पर जय प्राप्त करेगी। जिसमें गुरुदेव ने एक बार कथा सुनाई थी कि जब ध्रुव महाराज को भगवान ने 36,000 वर्ष का राज्य भोगने के लिए दिया तो एक जब उनका समय पूरा हो गया तो एक बार वे अपने महल के बाहर निकले तो उन्होंने अपने महल के बाहर एक बहुत ही भयानक रूपधारी एक स्त्री को देखा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं मृत्यु हूँ और बहुत दिन से आपके महल में घुसने की चेष्टा कर रही हूँ जिस कारण मैं घुस नहीं पाती और जब भी घुसने की कोशिश करती हूँ तो सुदर्शन भगवान का सुदर्शन चक्र मुझे रोक देता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें और आप अपने इस धाम को गमन करें। तो वे तुम्हारा उस मृत्यु की सेवा को स्वीकार करकर उसके सिर पर पैर रखकर अपने इस धाम को गए। तो जो भी भगवान की कथा श्रवण करते ताली हो जानी है इसलिए उस श्लोक याद करना। हाँ कल ये श्लोक बोलना सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो, ये श्लोक कल सुनाना। हाँ ये श्लोक को लिख करके ले जाना। हाँ और कौन तुमको सुना सकते हो? अम्मा बोल रहे। हाँ ये माता जी तो हर समय आगे रहती है तो ब्राह्मण घर के ना ये संस्कार है। इसलिए अगली बार है ना स्त्री जन्म ने अगली बार हमारे जैसे ब्रह्मचारी है ना हैं चिराग जैसे बन कर जाओगे। क्योंकि देखो इसी जीवन में जो कथा सुन रहे हो जो कथा तुम नोट कर रहे हो ना